नमस्कार, यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में अगर एक अहम चीज की जरूरत है तो वो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के लिए कोई ना कोई संसाधन जरूरी है। आपके पास एक बैलगाड़ी से लेकर एक एरोप्लेन तक की सुविधाएं हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एक टू व्हीलर पर, खासकर मेट्रो सिटीज में, क्योंकि कार के अपने प्रॉब्लम्स है, कार्स के, फोर व्हीलर्स के अपने प्रॉब्लम्स है, लेकिन टू व्हीलर्स आप भीड़ में जैम में फंस भी गए हो तो निकल सकते हो। और सबसे बड़ा है कि पार्किंग भी आपको आसानी से मिल जाती है। और ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा टू व्हीलर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो न पेट्रोल लेता है, न लाइसेंस की जरूरत है, न रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और न ही पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, तो आप जरूर हैंड्स डाउन उस चीज को खरीद लोगे। एक ऐसा है टू व्हीलर हमारे देश में काफी प्रचलित है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो व्हील्स, और इलेक्ट्रो व्हील्स के नेशनल सेल्स मैनेजर श्री विद्युत विश्वास यहाँ पर आज हमारे बीच मौजूद है। आज उनसे हम जानेंगे इलेक्ट्रो व्हील्स क्यों खरीदना चाहिए और क्यों फायदेमंद है। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। विद्युत साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रो व्हील्स कंपनी का एक ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप बता दोगे हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, इलेक्ट्रो व्हील्स ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, बट इन्होंने जब स्टार्ट किए थे 2007 और 8 में ये किसी कंपनी के डीलर हुआ करते थे, तो उस समय कुछ कंपनियां जो है, जिसका मैं नाम अभी नहीं बताना चाहूँगा, जो नहीं है इस मार्केट में आज के डेट में, तो उस कंपनी का 2 साल तक के करीबन डीलर बन के काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने देखा है कि माल तो बेच देते हैं बट सर्विस नहीं देते। तो ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थे। अच्छा। एक्स एयरफोर्स ऑफिसर रहने की वजह से इन्होंने देखा है कि कुछ अच्छा किया जाए। हाँ। तो ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, हाँ, कि खुद की एक कंपनी एस्टेब्लिश करना है। तो 2009 और 10 में इन्होंने नीम रखी और उसको स्टार्ट किया। जब इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया टू व्हीलर बनाना, कुछ चाइना से पार्ट लाना, बाहर देश से कोरिया से स्पेयर लाना और उसको डेवलप करना, तो करते 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 इन्होंने देखा है कि मार्केट तो बहुत बड़ा है बट मार्केट में इसका अवेयरनेस नहीं है। तो 2010 से इन्होंने फुल फ्लेज में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। उस समय इनको 60 गाड़ी महीने भर में बेचना बहुत कठिन जाता था, आज 650 गाड़ी वेटिंग रहता है। वेटिंग 650 गाड़ी वेटिंग में बिकता है, मतलब पहले पैसे आ जाता है उसके बाद माल जाता है जी। तो ये सडन राइज जो है पॉपुलैरिटी की क्या वजह हो सकती है? नहीं, पॉपुलैरिटी की बात है कि हम लोग के पास एक्चुअली एक, हम लोग देखते हैं पेट्रोल गाड़ी है, स्पीड है, माइलेज है, फिर इमेज है, मैंने कितनी महंगी गाड़ी लिया, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों के दिमाग के अंदर है। बट मैं बोलना चाहूँगा कि आप कितनी भी स्पीड वाली गाड़ी ले लीजिए, कितना भी पावरफुल गाड़ी ले लीजिए, मर्सिडीज क्यों ना ले लीजिए, आपके सिटी में हर 1 किलोमीटर में स्टॉपेज है जी। तो आपको एक ऐसा कन्वीनियंट गाड़ी चाहिए जो इकोनॉमिकली अच्छा हो, स्पीड उसका लिमिटेड हो और आपका पॉकेट को भी सूट करे या आपके 2 पैसे बचाए। तो मैं यहाँ बोलूंगा आपका पैसा जहाँ बचना चालू हुआ वहां से देश का पैसा बचना चालू हुआ। कुड यू एक्सप्लेन दैट, मतलब कंट्री का और कस्टमर का साइमल्टेनियसली बेनिफिट कैसे होता है? तो इसमें देखिए, बेसिकली होता है कि आप पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं, तो पेट्रोल गाड़ी में आप पेट्रोल खरीदते हैं, फ्यूल क्या इंडिया में फ्यूल बनता है? नहीं। ये फ्यूल कहाँ से आता है? अरब कंट्री, विदेशों से। अब विदेशों से जब आप कोई चीज आयात करते हैं या बुलवाते हैं, तो उस विदेशों से आया हुआ हर पैसे के, हर प्रोडक्ट के ऊपर या हर तेल के ऊपर, हर लीटर तेल के ऊपर आपको आयात शुल्क प्लस जो पैसा आपसे खरीदते हो उसको डॉलर के रूप में, इंडियन रूपी को डॉलर के रूप में परिवर्तन करके उसको आपको विदेशों को देना पड़ता है, मतलब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ता है। मतलब देश का बहुत सारा पैसा विदेश में चला जाता है। फिर विदेश में जाने के बाद क्या होगा, विदेशी कंट्री, फॉरेन कंट्री अमीर होगी, और इंडिया का जो पैसा है अगर एक गवर्नमेंट के अनुमान के तहत अगर देखते हैं, 2 साल पहले का मेरे पास डेटा है जिसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट अ मिनट, 6 लाख करोड़ डॉलर्स, यस डॉलर्स, सॉरी, 6 लाख करोड़ डॉलर जो है ये फॉरेन कंट्री को पेट्रोल आयात के लिए देना पड़ता है या पेट्रोल खरीदने के लिए इतना पैसा पे करना पड़ता है सालाना। आप अगर हर व्यक्ति अगर 1 लीटर पेट्रोल रोज बचाने की कोशिश करे तो 40 लाख गाड़ियां आज रस्ते, 40 करोड़ गाड़ियां रस्ते पे दौड़ती है।
तो 40 करोड़ में से अगर 4 लाख लोग भी या 40 लाख लोग भी एक एक लीटर पेट्रोल बचाते हैं, तो आप कैलकुलेशन लगा के देखिए कि कितना पैसा आपके पॉकेट से बचेगा, कितना पैसा देश के पॉकेट से बचेगा और कितना पैसा डॉलर जो है आपका जो विदेश जाने से रुकेगा। क्या यही वजह है कि बहुत सारे विदेशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अभी देखिए एक मान लीजिए कि ये जो मेट्रो बन रहा है, ये जो ट्रेन होता है, ये क्यों बनाया जाता है? गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए लगा के खर्चा आज क्यों कर रही है? उसके पीछे विजन है, फ्यूचर विजन है कि आप अगर एक कन्वीनियंट पब्लिक कन्वीनियंट से जाते हो तो हजारों लीटर पेट्रोल रोज के आप सेविंग करते हो। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको तो बेनिफिट हो रहा है, बट गवर्नमेंट को जो पैसा बच रहा है, जो डॉलर के रूप में देना पड़ रहा है, वो बहुत सारा अमाउंट गवर्नमेंट बचा ले रही है। लेकिन इस चीज को आम जनता को समझना पड़ेगा, हमको और आपको समझना पड़ेगा, मेरे घर से, हमारे घर से इसको शुरुआत करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसी मुद्दे को लेकर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, इलेक्ट्रो व्हील्स इसमें कैसे कारगर साबित होगा कंपेयर टू अदर व्हीकल्स जो फ्यूल पे चलते हैं? मतलब आपने पेट्रोल की बात की और पेट्रोल से कितना लॉस हो रहा है देश का, इसके बारे में इसको कंपेयर करते हुए इलेक्ट्रो व्हील्स की तरफ क्यों जाएं? मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूं कि हमारे पास एक विंड मॉडल है और एक ब्रिज मॉडल है, दोनों ही बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, जिसका अनुभव मेरे पास करीबन 2.5-3 साल से है। उस गाड़ी की विशेषता यह है कि आप अगर एक छोटी सी पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो आज के डेट में कम से कम 60,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जी। हमारी बैटरी गाड़ियों में भी आपको आज अगर लिथियम बैटरी में जाते हैं तो 60,000 ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर लिथियम से लीड एसिड बैटरी में जाते हैं तो आपको मोटा मोटी एक 40-42,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जी। तो इस 40,000 के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 2 साल गाड़ी रन करते हो तो एक बैटरी और लगाना पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी की जो कॉस्टिंग हो जाती है करीबन 52,000 के आसपास 2 साल में। इस 2 साल में आपकी गाड़ी चलेगी कुल मिला के 15,000-20,000 किलोमीटर जी। 20,000 किलोमीटर अगर पेट्रोल गाड़ी आप रन करते हैं तो आपका जेब से जाएगा 60,000 रुपए का पेट्रोल, और 20,000 किलोमीटर अगर बैटरी गाड़ी चलाते हैं तो आपके जेब से जाएगा केवल 20,000 रुपए। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो 68 पैसे पर किलोमीटर बैटरी गाड़ी कंजम्पशन करता है इंक्लूडिंग बैटरी कॉस्ट, और पेट्रोल गाड़ी जो कॉस्ट पड़ता है वो पड़ता है आपका करीबन 2.40 रुपए के आसपास। दोनों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है पोल्यूशन के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं कि आज के डेट में जो आप फ्यूल कंजम्पशन करते हैं उस फ्यूल के तहत जो भी कार्बन निकलता है, जो भी पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन का भुगत भुगी हमारे देश को, हमारे देश के नागरिक को, हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, दिल्ली मुंबई आप देखिए किस तरह से पोल्यूशन से ग्रसित है पूरा शहर। तो पोल्यूशन को बचाने के लिए भी बहुत बड़ा एक मुहिम है आज के डेट में। आप बोलते मेरा क्या हो रहा, मैं तो चल रहा हूँ, मुझे पोल्यूशन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब गाड़ी चला के जाते हैं पेट्रोल गाड़ी, तो पीछे वाले के नाक पे पोल्यूशन जाता है, आपके सामने जो गाड़ी चला के जा रहा है उसके नाक में गाड़ी का पोल्यूशन आपके नाक में जाता है। तो फाइनली कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी बीमारियां, साइनस प्रॉब्लम, दमा, सिरदर्द, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। और इस पोल्यूशन को एक बार आप बना लेने के बाद उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, तो पोल्यूशन को बना ही ना जाए या कम किया जाए, उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें भी आपका, आपके देश का, हमारा, हम सब लोगों का, इस नेचर का, इस दुनिया का भला हो सकता है। अब आपको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पोल्यूशन आप निर्माण करते हैं इसके ऊपर R&D करती है कौन? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों करती है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो बोलते हैं कि जो देश ज्यादा पोल्यूशन करेगा उस देश से उतना ज्यादा पेनल्टी डॉलर के रूप में लिया जाएगा। राइट। तो ये भी नुकसान जो है भरपाई आपके पॉकेट से ही जाता है, गवर्नमेंट आपसे लेती है और गवर्नमेंट विदेश में भेज रही है उसको जी। मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो इलेक्ट्रो व्हील से दो फायदे हो जा रहे, एक किलिंग टू बर्ड्स इन वन स्ट्रोक बोलते ना, तो मतलब एक तो एक पोल्यूशन की बचत कर रहे, उससे बचा रहे हो, और सेकेंडली इकोनॉमिकली वायबल गाड़ी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, जिस वजह से आप महज 7 रुपए में, रफली बता रहा हूँ, 7 रुपए में 70 किलोमीटर आप एवरेज निकाल ले रहे हो। इसका हम लोगों का एक्चुअली टैगलाइन ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, एक्चुअली मैंने 2 या 3 कंपनी के लिए काम किया कुल मिलाकर 5 साल में। तो ज्यादा अनुभव मेरा एक प्रीवियस कंपनी ओरेवा के साथ रहा है, उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं इलेक्ट्रोव्हील्स के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, इसमें भी बुरा नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि कस्टमर का हित किस में है। 7 रुपए में 70 किलोमीटर टैगलाइन इसलिए लिखा हूं कि आप एक यूनिट के कंजम्पशन पे 70 किलोमीटर अगर घूम सकते हैं
तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि आपकी गाड़ी का कॉस्टिंग या आपका रनिंग कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो ये मेरा टैगलाइन खुद का बना हुआ है जो मैं हमेशा से यूज करता हूं। वाकई में 7 रुपीज आज के जमाने में क्या है? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक अहम मुद्दा आता है आपके इलेक्ट्रो व्हील्स व्हीकल की बात अगर मैं करूँ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पब्लिक जो देख रही है इस प्रोग्राम को, कि बैटरी आपने कहा कि दो टाइप की बैटरी, एक लीड बैटरी और एक लिथियम बेस्ड बैटरी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है और ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहता है? सर देखिए, अगर इकोनॉमिकली देखते हैं तो दोनों ही बेनिफिशियरी है। लोग बोलते हैं कि मेंटेनेंस नहीं चाहिए। आज सर कौन सी गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं आता है? हर एक गाड़ी में मेंटेनेंस आता है, बट अभी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि पहले जो लीड एसिड बैटरी आती थी उसका लाइफ होता था 450 बार का साइकिल, अब लिथियम बैटरी आ गई उसका जो होता है 700 से 1000 साइकिल। तो लीड एसिड बैटरी जो है कुल मिला के 1.5 से 2 साल तक के मैक्सिमम लाइफ दे सकती है आपको, और लीड एसिड जो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है, लीड एसिड बैटरी का जो लाइफ होता है कम से कम 5 साल। जी, मतलब 5 साल तक के आप गाड़ी खरीदने के बाद आपको 5 साल तक के उस गाड़ी के पीछे मेंटेनेंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है, ये क्या एडेड एडवांटेज है? बिल्कुल एडेड एडवांटेज है, और ये आने वाले समय में चलने वाला है। यूरोपियन कंट्री लीड एसिड बैटरी यूज कर रही है, चाइनीज कंट्री, कोरियन कंट्री, जापानीज कंट्री, ये सारे लोग नेचर को बचाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसको हमें आज समझने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश को भी आर्थिक लाभ होना चाहिए, हमारे देश को भी पोल्यूशन मुक्त होना चाहिए, हमारे देश में भी आने वाला जो जनरेशन है अच्छे सांस ले पाए उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। जी, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था तो एक अमेरिकन बेस्ड पॉपुलर साइंस करके एक मैगजीन आया करता था, उस मैगजीन में ये सारी बातें उस समय लिखी गई थी, मतलब आज से करीब करीब 3-4 decades पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उस बात को अभी हम अमल में ला रहे हैं, और खासकर आपकी कंपनी इस बात को ध्यान में, तो इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड, दिस मैटर शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। ये बताइए कि लाइफ की बात करेंगे, आप एक ब्रांडेड व्हीकल लीजिए, नो डाउट आपकी भी गाड़ी एक ब्रांडेड ग्रुप में इंक्लूडेड है, लेकिन एक 2-व्हीलर ले लीजिए तो इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, रफली मैं बता रहा हूँ 5 से 10 साल के बीच में, एंड देन इसको या तो एक्सचेंज कर लेते हैं वगैरह। तो वैसे इस इलेक्ट्रो व्हील्स की शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए इफ अंडर आइडियल कंडीशंस? सर ये जो गाड़ियां है सर, इसमें कई मॉडल आते हैं, बट सारे चीजों में जो है हम आपको पहले ही बताना चाह रहे हैं, पहले ही दर्शाना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली ये जो कॉस्ट है इसका वो काफी कम है पेट्रोल गाड़ी की तुलना में। दूसरी बात, जो पेट्रोल गाड़ी आप खरीद रहे हो पोल्यूशन कर रहा है, ये गाड़ी पोल्यूशन बचाने में मदद कर, मतलब ना करने में मदद कर रही है। तीसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि इसका लाइफ, देखिए अगर किसी चीज से अगर आपको सेविंग्स मिल रहा है तो बाय नेचर उसका थोड़ा सा लाइफ भी कम रहेगा। पेट्रोल गाड़ी का जो आरटीओ का आज का पासिंग होता है 12 से 15 साल, मतलब गवर्नमेंट ने अभी तो 12 साल ही कर दिया है, मतलब 12 साल के बाद वो गाड़ी यूज करने लायक नहीं रहता है, बट वो पोल्यूशन भी करता है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ाता है, पैसा भी ज्यादा जाता है। बट इस गाड़ी में क्या होता है कि एक 7 से 8 साल आप उसको या 10 साल भी चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बट डिपेंड करता है कि आपकी सिटी के रास्ते, आपका चलाने का तरीका, इसमें भी चेंजेस होता है, पेट्रोल गाड़ी में भी चेंजेस होता है, इसमें इंजन नहीं होता है, इसमें मोटर टेक्नोलॉजी होता है, पेट्रोल गाड़ी में इंजन होता है, इसमें मोटर टेक्नोलॉजी होता है, और ओवरऑल अगर सिनेरियो देखेंगे तो पेट्रोल गाड़ी में जितनी विशेषता होती है सब होती है इंजन छोड़ के और इसका फ्यूल कंजम्पशन छोड़ के, इसमें बैटरी होता है जी। तो ओवरऑल जो उसका चेंजेस डिजाइन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड ARRI ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये जो इसको ऑथोराइज करती है इस गाड़ी को चलने में, इस गाड़ी को रास्ते में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन करती है, ये इस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, इसलिए इसमें सारे उसको बेनिफिट, मतलब ये सारे क्लीयरेंसेस के बाद ही आप उसको, कोई भी गाड़ी रास्ते पे नहीं बेच सकता। अभी मैं आपको बताऊं, छोटी मोटी मिला के करीबन कईयों कंपनी इंडिया में आई होगी, लेकिन इसमें जो ARRI अप्रूव्ड गाड़ी नहीं है, जो ICAT अप्रूव्ड गाड़ी नहीं है, उस गाड़ी को खरीदना भी आपके लिए धोखादायक हो सकता है। तो ये टेक्निकल चीजें लोगों को मालूम नहीं रहता है। अब क्या है कि हमें सस्ता मिल रहा है करके हम कुछ भी ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, बट मैं नहीं बोलता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सस्ता चीज लेते हैं, अभी गवर्नमेंट ने तो GST लागू कर दिया, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिया, तो जब सारे लोग सिस्टम में आ रहे हैं, पहले सिस्टम ही नहीं था जी। सुना यह है कि जैसे इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, ग्लोबल मार्केट हो गया ये, तो इस मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए क्या आपके प्लान्स एक्सपेंशन के हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया इसको और भी छोटे मोटे देशों में इसको प्रचलित करने का? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात बोले हैं आपने, छोटे कंट्रीज में क्या होता है, मिडिल ईस्ट हो गया आपका,
अरब हो गया, ये सारी कंट्रीज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है. अभी रिसेंटली मैंने भूटान से ऑर्डर लिया हूँ और बांग्लादेश का प्लान चल रहा है मेरा और श्रीलंका का भी चल रहा है, नेपाल तो ऑलमोस्ट चालू ही है काम. तो ये सारे जगहों पे क्या है, बहुत अच्छे दामों में, मतलब इंडिया के तुलना में डबल दामों में बिकता है. डिमांड इन द सेंस, वहाँ छोटी कंट्री होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और इंडिया बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा देश है. तो बहुत बड़ा देश होने की वजह से यहाँ पे यूनिट्स भी काफी बढ़ गए हैं. मोदी जी ने अभी काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, काफी यूनिट्स आ रहे हैं आने वाले समय में, और मैन्युफैक्चरर आएंगे तो भी कम पड़ेगा. बिकॉज ह्यूज डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब 125 करोड़ की आबादी में अगर आप आज की तुलना करते हैं तो केवल 0.2% बिजनेस मार्केट शेयर इसका है. तो आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष में इसका कितना बड़ा वाइड बिजनेस आपके सामने खड़ा है. You have to cash in on that opportunity. Exactly. मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ. लोग बोलते हैं आपके आप जो ये काम कर रहे हो ये क्या कैसा है. मैंने इसके अंदर देखा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिसको अगर करें तो हम देश का पैसा बचा सकते हैं, कस्टमर का पैसा बचा सकते हैं, हमारा पैसा बचा सकते हैं, डीलर लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, बहुत सारी चीजें जो आप आगे विषय में देखेंगे. तो ये सारी चीजें हैं. मान के चलिए सर कि मैं एक डीलर बनना चाहता हूँ, तो मुझे इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना होगा और इससे मेरे क्या बेनिफिट्स होंगे और मेरे एरिया में इसका क्या एक प्रोजेक्शन रहेगा? देखिए, पहली चीज तो आप उस ईश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे, उस ईश्वर को आप एक अच्छा सा सौगात देंगे अगर आप डीलर बनेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा. उस नेचर को आप एक सौगात देंगे कि आप उतनी गाड़ी, मान लीजिए कि एक डीलर बनने के लिए मान लीजिए एक 40 गाड़ी से आप डीलरशिप कर रहे हैं और आपके शहर में आप 40 से 50 या 100 गाड़ी बेच रहे हैं, तो 100 गाड़ी का पोल्यूशन कम करने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया. मतलब आपने एक सोशल एक्टिविटीज का काम किया पहले, 100 लोगों को आपने इस इंडस्ट्री के लिए छोड़ा है. तो कहीं ना कहीं आप अपने नेचर को, अपने गॉड को, ईश्वर को या अल्लाह को कहीं ना कहीं थैंक्स अदा कर रहे हैं काम के एवज में. कि भगवान ने जब आपको कोई अच्छा काम करने का मौका दिया तो पहला ये चीज बता दूं. इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए आज के डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस, आप चाय की दुकान से मिठाई की दुकान से लेकर कपड़े की दुकान, हर जगह इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हर जगह इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है. तो यहाँ पे एक मोटा मोटी अगर आप छोटे से छोटा डीलर भी बनने जाते हैं तो एक 8-10 लाख रुपए का स्टॉक आपको कंपनी देती है और कंपनी आपको बहुत हाई प्रोफाइल नहीं मानती है. लेकिन आज के डेट में अगर आप पेट्रोल गाड़ी की तुलना करते हैं तो आपसे 1-1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. बट इस इंडस्ट्री के लिए आपको 10-15 लाख रुपए मैक्सिमम, 15 लाख में आप बहुत अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. लोगों के अंदर एक डर है कंपनी चली तो नहीं जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट जिस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट जिस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दे रही है, ये सारे बेनिफिट्स अगर आप देखते हैं, कोई डीलर अगर 100 गाड़ी 365 दिन में बेच लेता है तो 7.5 लाख रुपए का इंसेंटिव कमा लेता है गवर्नमेंट से. मतलब इस बात को मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है. राइट. मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत है कि गवर्नमेंट 7.5 लाख रुपए आपको क्यों दे रही है. मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 6 लाख करोड़ डॉलर जो गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है कि ये जो 7.5 लाख रुपए ये कुछ भी नहीं है 100 गाड़ी के पीछे. तो ये एक बार देगी लेकिन मार्केट से उतना जो डॉलर जा रहा था वो तो बचेगा हर साल जो पैसा. राइट. तो इतना इंसेंटिव तो बनता ही है. ये बताइए कि जैसे आपका डीलर नेटवर्क इंडिया में किस तरह फैला हुआ. अभी मैंने रिसेंटली ओडिशा, आसाम, भोपाल, मध्य प्रदेश, आप देखेंगे सतना और रायपुर तो ऑलमोस्ट चालू हो चुका है. महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट शहर में हम लोग एट प्रेजेंस अवेलेबल है. साउथ मैसूर, बैंगलोर में हम लोगों का रीजनल ऑफिस है, केरला में हम लोगों का हेड ऑफिस है और नागपुर में हम लोग एक असेंबली यूनिट बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि ये अगर आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो इंडिया सेंट्रल प्लेस है और इस सेंट्रल प्लेस में हम लोगों का एक असेंबली यूनिट बहुत जल्दी आ रहा है. मतलब मैं एकदम एक्यूरेट डाइट नहीं बता सकता लेकिन बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि स्टॉक यार्ड या तो फिर असेंबली यूनिट हम लोग यहाँ बहुत जल्दी चालू करेंगे. क्योंकि यहाँ से जो कन्वीनियंट है बाकी जगह पहुँचने के लिए बहुत आसान है. अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट की तरफ से क्या, क्योंकि मेक इन इंडिया का कैंपेन भी चल रहा है, जी, तो आप उस हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट को बोलिए, इस पूरे यूनिट को गवर्नमेंट के दृष्टि से कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट कैसे बेनिफिशियल होगा आपके लिए? देखिए, गवर्नमेंट तो पिछले 2012 से प्रोजेक्शन लेके चल रही है कि बैटरी इंडस्ट्री को 2026 तक के, बैटरी इंडस्ट्री को 2026 तक के हम लोगों को बहुत टॉप लेवल तक के ले जाना है. अगर आप रिसेंटली हमारे माननीय गडकरी जी के बारे में बोलेंगे तो उनका एकदम विजन है कि नागपुर के अंदर हम इसको ग्रीन सिटी कर देंगे, बैटरी चलित गाड़ियों को कर देंगे, मेट्रो कर देंगे, मतलब पोल्यूशन फ्री कर देंगे. तो उनका जो प्रोत्साहन है वो आप ही से शुरू होता है.
हर व्यक्ति से शुरू होता है, मैं और आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी नेता अगर अच्छा कर रहा है, कोई भी अगर पॉलिटिशियन अच्छा कर रहा है, तो हमारे भी अपनी दायित्व है, हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला कि मेरे को नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है ऐसा नहीं है, मुझे पैसे से प्यार नहीं है ऐसा भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सारी चीज करते हुए भी मैं नेचर को, गॉड को वापस रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है। मैंने कितना कमाया कितना खोया वो तो सेकेंडरी है, बट आप हर दिन जब घर से निकलते किसी के लिए अच्छा करने के लिए सोच के निकलो तो आपका अच्छा होगा, ऐसा कहावत है, ऐसे बोलते हैं, तो मैं उस चीज को फॉलो करता हूं। जी रही बात फ्यूल और पेट्रोल की, बात अभी हम कर रहे हैं, तो अगर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन अगर की बात करें तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए पोल्यूशन तो कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ये करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन पोल्यूशन को बहुत भुगतेगी अगर आज हम इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते। आज जो नागपुर की बात करते हैं या बड़े शहरों की बात करते हैं जहां मेट्रो वगैरह चालू किया जाए, गवर्नमेंट अगले 15 साल 20 साल का प्रोजेक्शन लेके चल रही है कि उस समय हमारी हालत क्या होगी, हमारी क्राउड कितनी होगी, पोल्यूशन कितना होगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो वो भी एक सपोर्ट कर रही है। तो पोल्यूशन के लिए आपको आज ही अवेयर होना पड़ेगा कल के बेटर फ्यूचर के लिए। अगर चलते चलते एक मैसेज देना चाहूंगे आप पब्लिक को, हाईलाइटिंग योर व्हीकल इलेक्ट्रो व्हील्स क्यों परचेस करनी चाहिए और उससे क्या बेनिफिट्स है, तो क्विकली इन अबाउट 2 मिनट्स क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरा विजन है जो मेरा विजन है कि मैंने आज 2000 गाड़ियाँ नागपुर के अंदर लॉन्च कर दिया, चाहे वो इलेक्ट्रोविल्स की कंपनी हो या मैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी में काम करता हूँ। इसमें एक चीज़ है कि 2000 लीटर पेट्रोल मैं रोज बचा रहा हूँ आज देश का जी, तो 2000 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट आप लगा लीजिए, उसके तुलना में जो फॉरेन कंट्री को पैसा जाएगा उसका आप तुलना लगा लीजिए, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ मेरे नेचर के लिए, मेरे ईश्वर के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, मेरे जो भी गॉड हम लोग मानते हैं उनके लिए, और मेरे आने वाले जनरेशन के लिए मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। और हर अच्छे काम में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, बिल्कुल, तो मैं लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, आपके घर में 2 गाड़ी है 3 गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं, अभी कंपनियाँ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, आप अगर एक पेट्रोल गाड़ी के जगह एक बैटरी गाड़ी घर पे रखते हैं, फ्यूल गाड़ी वाला अगर रख के बैटरी गाड़ी रखते हैं, इसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि हर दिन आपका गाड़ी जो है 50 रुपये 100 रुपये बचा के देगा, आपका एक गाड़ी का पोल्यूशन इस देश से कम हो जाएगा, और आने वाले जनरेशन के लिए जो आप पोल्यूशन निर्माण करके जा रहे हैं वो कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप अपने उस ईश्वर भगवान अल्लाह को जो भी है उसको आप धन्यवाद कर पाएंगे कि आपने मुझे इस दुनिया में, इस धरती में कुछ अच्छा करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बाद में उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इलेक्ट्रो व्हील्स की बात कही है तो इस व्हीकल के बारे में आम दर्शक जरूर सोचेंगे, और जैसे आपने कहा हर घर में एक तो भी बैटरी चार्ज गाड़ी रहेगी। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।